निष्पात्रता थी। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला, भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी लिया। आकाश आनंद को हटाने पर बोले यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है मायावती, मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज हरदोई में चुनावी सभा को करेंगी संबोधित, बीएसपी यूपी में अपने दम पर लड़ रही है चुनाव, नहीं किया किसी भी दल से समझौता। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बयान, रोज करता हूं राम जी के दर्शन, लेकिन अयोध्या में बने राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है, कैसे बने हैं पुराने मंदिर देख लीजिए। रामगोपाल के बयान पर पीएम मोदी का बिना नाम लिए पलटवार, कहा इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा कि राम मंदिर किसी काम का नहीं, किसी और धर्म के बारे में ये लोग सपने में भी ऐसी बात नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के बयान पर बोले योगी आदित्यनाथ, एसपी हो या कांग्रेस, दोनों का चरित्र हिंदू और राम विरोधी है, रामगोपाल यादव का राम मंदिर पर दिया बयान निंदनीय। हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है, विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने सरकार से समर्थन वापस लिया। हरियाणा सरकार के पास फिलहाल सिर्फ 42 विधायकों का समर्थन, सरकार को बहुमत के लिए चाहिए 45 विधायकों का समर्थन, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता, इसलिए सरकार पर खतरा नहीं। कैथल के पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन का बयान, कहा अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पूछकर फैसला लिया है, कांग्रेस को समर्थन देने के पक्ष में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कहा हर विधायक की होती है कुछ इच्छाएं, कांग्रेस आजकल इन इच्छाओं को पूरा करने का काम कर रही है, सीएम बोले सरकार पर कोई सियासी संकट नहीं। निर्दलीय विधायकों का बीजेपी का साथ छोड़ने पर बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा प्रदेश में हालात, बीजेपी के खिलाफ मौजूदा सरकार पर सियासी संकट का दावा। और चलिए अब 9 सेकंड में वक्त है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें जानने का। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी, तेलंगाना में फिर आज राजेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा, करीमनगर और वारंगल में 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में भी करेंगे चुनाव प्रचार, आंध्र प्रदेश के राजमपेट में होगी पीएम मोदी की जनसभा, शाम को विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी और महाराष्ट्र में करेंगे जनसभाएं, यूपी में लखीमपुर खीरी, हरदोई कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रैली, शाम को महाराष्ट्र के जालना में करेंगे पब्लिक मीटिंग। आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सम्मेलन के बाद मंडी में कंगना रनौत के समर्थन में करेंगे रैली। वही दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे प्रचार, चांदनी चौक में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह मितुड़ी के पक्ष में करेंगे अलग अलग रैली। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में नेताओं की रैलियां और जनसभाएं जारी है, आज पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में प्रचार करेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज भवानीपटना और रायगढ़ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ की बैठक, लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों को लेकर हुई बातचीत, मतदान प्रतिशत और वोटिंग पैटर्न के हिसाब से रणनीति बनाने पर बातचीत। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी, आज एटा और कानपुर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित, अपनी रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं योगी। मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में गठबंधन ने लगाई ताकत, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ललन सिंह के समर्थन में करेंगे रोड शो। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत पक्की करने के लिए जमी प्रियंका गांधी वाड्रा, आज सुबह पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक, करीब 9 नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज पलामू और गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित, पलामू लोकसभा से महागठबंधन समर्थित आरजेडी की महिला उम्मीदवार ममता भुइया के लिए मांगेंगे वोट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।